How are you all? I hope you all are doing good at your home. Today I am going to deliver you the fifth chapter of your It So Happened Book. And the name of the chapter is Princess September. It's on page number 34. Princess September. Princess September, like each one of her numerous sisters, Princess September Uski Pahno Ekti received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. jisse एक गोल्डन पिंजरे में बंधा बंद एक पैरट मिला था उसके फादर ने जो उन्हें उनके बर्थडे पर दिया था द पैरट डाइज एंड बाय चांस सिंगिंग बर्ड कम इन दिट्स पेरेस जो पैरट था वो मर गया था और बाय चांस उसको एक सिंगिंग बर्ड मिला था द प्रिंसेस शोज ऑल हर पैट टू द सिस्टर्स हु टू पुट इट इन अ हुच प्रिंसेस ने अपना वो जो पैड था अपनी जो बर्ड था वो अपने सारी सिस्टर्स को दिखाया और उन्होंने उसे ऐसा सजेस्ट किया कि तुम इसे एक केज के अंदर बंद करके रखो सो so, क्या होता है उसके बाद हम पढ़ते हैं द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम जो किंग और क्वीन थे सियाम देश के हेडमैनी डॉटर्स उनकी खूब सारी डॉटर्स थी एंड द क्वीन सेट दैट इज टू हैव रिमेंबर सो मेनी नेम्स जो क्वीन थी वो कह रही थी कि मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ उनके नेम्स को लर्न करने में वन डे ऑफ द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम इसलिए जो किंग थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनके नाम कुछ ऐसे हो जनवरी फेबर मार्च थ्रू ऑफ कोर्स ऑफ द सियामस और उन्हें जो है राजकुमारियों को यही नाम दिए टिल दम टू दंगेस्ट हुबर जो उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम उन्होंने रख... छोटी वाली बेटी थी उसका नाम रखा उन्होंने सेप्टेंबर द किंग ऑफ सियाम पिकुलर हैबिट जो किंग थे सियाम के उनकी एक अजीब सी हैबिट थी इंस्टीट ऑफ रिसीविंग गिफ्ट लेने की बजाय वो अपने बर्थडे पर सभी को गिफ्ट देते थे वन ईयर ऑफ इस बर्थडे उनके बर्थडे के एक साल नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था ही गिव ईच ऑफ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन किच उन्होंने अपनी सभी बेटियों को गोल्डन किच एक सोने के पिंजरे में बने हुए बंद बन किए हुए, हुए ग्रीन कलर के पैरट्स दिए द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक जो प्रिंसेस थी वो सभी बहुत खुश थी उन पैरेंट्स से मिलकर वो अपने दिन भर का एक घंटा उनसे उनकी पेरट्स को जो है बातें सिखाने में लगी हुई रहती थी प्रेजेंटली और द पेरेंट्स कुड से गुड सेव द किंग जो सारे पेरेंट्स से उन्होंने एक बात बोलना सीख ली थी क्या गॉड सेव द किंग भगवान किंग की रक्षा करें एंड सम ऑफ कुड से प्रिटी पॉली और कुछ जो थे वो कहते थे प्रिटी पॉली इन नो एलेस सेवन ओरिएंटल लैंग्वेज इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था एक सुबह जब प्रिंसेस अपनेट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई श्री फॉन्ड इट लाइन डेट एट दॉटम वाटर गोल्डन केज उसने देखा कि जो गोल्डन उनका जो पिंजरा था वहां पर वो जो पैरोट है वो मरा हुआ पड़ा हुआ था शी बर्स इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा वो बहुत रोने लगी एंड नथिंग डेट एट मेड्स ऑफ ऑनर कुछ से कम्फर्टेड और कुछ भी कोई ऐसी चीज देती थी जो उसको कम्फर्टेबल फील करा सके उसकी सारी जो मैथ्स थी उन्होंने बहुत कोशिश की शी कट सो मच वो बहुत रोने लगी दैट द मेड्स ऑफ ऑनर फिर जो उनकी जो भी काम करने वाली मैट्स उन्हें क्या नोट नोविंग वॉट टू डू वो नहीं जानती थी कि क्या करें टॉल द क्वीन उन्होंने क्वीन से कहा एंड द क्वीन क्वीन्स इट वॉथ स्टफ एंड एंड द चाइल्ड हेड बैटर गो टू बैड विदाउट एनी सपा उन्होंने कहा कि कैसी कैसा पागलपन है तुम कुछ भी बात कर रही हो और उन, उस प्रिंसेस से उसे खाना भी नहीं खाया बिना कुछ खाए वो अपने बैट पर चली गई द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो

गिरते हुए आंसू के साथ में खड़ी हुई देन द लिटर बाई बिगन टू सिंग छोटा पक्षी गाने लगा एंड ही सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और वो बहुत ही सुंदर गीत सुनाने लगा ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज शेड लुक्ड एट देम इन द स्टील वाटर एंड द गोल्ड फिशेज दैट ग्लीडेड इन एट एंड ऑल द ब्रांचेज दैट रिफ्लेक्टेड इन एट ऐसा लग रहा था कि उसकी गाने की आवाज़ को है जो किंग के गार्डन में जितने भी ट्रीज हैं वो भी झूम रहे हैं जितना भी पानी है वो भी बह रहा है जितने भी फिशेस है वो सभी उसके उस गाने को एंजॉय कर रही हैं हर एक पेड़ की ब्रांचेस पे बैठे हुए पक्षी उसको एंजॉय कर रहे हैं वेन यू हेड फिनिश जैसे उस बर्ड ने उस गाने को फिनिश किया द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी बोर्निंग शी क्वाइट फॉरवर्ड दिस शी नो सपर प्रिंसेस ने देखा कि वो जब पक्षी इतना सुंदर गा रहा है तो उसने रोना भी बंद कर दिया और वो सब चीज़ें भूल गई कि वो उसे ये भी नहीं याद रहा कि उसने खाना नहीं खाया खाया है दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग क्या कहती है वो उस पक्षी को कि तुमने बहुत सुंदर गाया ऑन द पेज नंबर थर्टी सिक्स द लिटिल पैट गर्ल गिव हर अ बॉय यानी उसने उसको इस तरह से अभिवादन किया वुड यू केयर ऑफ टू मी इन द प्लेस ऑफ योर पेरोटि क्या तुम अपने पेरोट की जगह पर मुझे रखोगी सेट द लिटिल बर्ड इट्स द ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट क्या कहती है कि हाँ मुझे पैरट क्या कहते वो बर्ड क्या कहती है कि मैं उसकी तरह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं हूँ बट ऑन द अदर एंड आई अ मैटर वॉयस लेकिन उसकी जगह पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वॉइस है प्रिंसेस सेप्टेम्बर प्लेड डर हैंड्स विद अ डिलाइट बहुत ही खुशी से प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है ताली बजाने लगी देन द लिटिल बर्ड होब्ड ऑन द एंड ऑफ अर बैड एंड सेंग से क्या करता है वो उसके बैड के पास में जो लिटिल बर्ड होता है उसके बैड के पास में बैठ जाता है उसको सोने के लिए एक लोरी वाला सॉन्ग सुनाता है शी अवॉक नेक्स्ट डे जैसे ही वो अगले दिन उड़ती है द बर्ड वट स्टिल देयर वो पक्षी अभी भी वहीं रहता है एंड शी शू ओपन हर आई सी सेट गुड मॉर्निंग और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो पक्षी उसे कहता है गुड मॉर्निंग द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन अ ब्रेकफास्ट वो उसके लिए खाना लेकर के आती है एंड ही एट राइस आउट ऑफ अर हैंड्स एंड इट हैज बाथ इन हिज अर क्या करती है वो पक्षी भी उसके साथ में राइस खाता है और बाद भी देता है यानी नहाता भी है वो उसके साथ में सॉसर पे ही बिगन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुल और फिर से वो बहुत सुंदर गाना गाने लगता है दैट द मैट्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज जो उसकी जो काम करने वाली जितनी भी मैट्स रहती है वो सभी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया फॉर द हैड नेवर हर एनीथिंग लाइक क्योंकि इस तरह का गाना उन मैट्स ऑफ ऑनर ने भी पहले कभी नहीं सुना था एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी प्रिंसेस ने बहुत खुश भी थी उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा था नो आई नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई एट सिस्टर्स अब मैं तुम्हें अपने उन एस शिषक को दिखाना चाहती हूँ सेट द प्रिंस स्टेज ऑर द फर्स्ट विंकर टू हेर राइट हैंड सो देट इज सर्व एज अ प्रिंस एंड लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट वो अपनी उंगली जो उसका राइट हैंड होता है उसकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको आगे करती है ताकि वो जो पक्षी होता है वो उसकी फिंगर पर आकर बैठ सके देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर इस तरह से फिर अपनी जो मेड्स ऑफ ऑनर को फॉलो करती हुई शी वेंट थ्रू द पैलेस वो पैलेस में जाती है एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिसेस और अपनी सारी बहनों को बुलाती है एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड एगर डिफरेंट और उन सभी के लिए जो लिटिल बर्ड रहती है वो अलग अलग सॉन्ग्स सभी के लिए आ, सभी के लिए गाती है आ, देन बट द पैरट कुड ओनली से लेकिन जो पैरट थे वो सिर्फ क्या बोल सकते थे गॉड से किंग एंड प्रीटी पॉली एट लास्ट ई शो द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड में वो उस लिटिल बर्ड को अपने किंग और क्वीन को दिखाती है दे वाइज ए रिलाइट वो बहुत खुश होते हैं और बहुत सरप्राइज भी होते हैं आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बैड विदाउट एनी सुपर क्या कहती हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें बिना कुछ खाए पी बेड पर जाने दिया द बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरोट्स क्या कहते हैं कि ये जो बर्ड है ये तो पैरोट्स से बहुत अच्छा गाती है आई शुड हैव थ्रोट यू गॉड क्वाइट टायर टू हियरिंग पीपुल से गॉड सेव द किंग मैं मुझे क्या कहते हैं कि, कि मैं बोर हो गया था एक ही बात सुन सुन कर सारे पेरेंट्स गॉड से द किंग और फिर क्वीन क्वीन कहती है कि हम यही बात बार बार सुन सुन करके बोर हो गए थे आई कॉन्ट थिंक वाई दोस गर्ल वॉन्टेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सारी बहनों ने अपने पेरेंट्स को ये बात क्यों सिखाई द सेंटीमेंट्स इज एडमायरेबल क्या कहते हैं कि, कि उनके सेंटिमेंट्स को तुम्हें देखना चाहिए उनकी भावनाओं को देखना चाहिए एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट लेकिन बोलता है कि मैं मुझे कोई माइंड नहीं करता हूँ मैं कि मैंने ये बात कितनी बार सुनी बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दो स्पेरोट्स इज प्रिटी पॉली लेकिन हाँ मैं ये सुनकर जरूर थक गया हूँ प्रीटी पॉलीवुड दे से इट इज सेवन डिफरेंट लैंग्वेजेस कहते हैं कि अलग अलग सात भाषाएं प्रिंसेस कहती हैं आई डेर से दे डू वो कहती है कि, कि कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कर सकता है तो कि ये जो पक्षी अलग अलग सात भाषाओं में भी गा सकता है क्यों कहता है कि मुझे नहीं लगता कैसा कुछ हो सकता है बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर वो कहते हैं लेकिन मेरे काउंसलर्स ने मुझे ज़रूर बताया था देट इज द सेम थिंग इन सेवन डिफरेंट वेज इट इज नेवर मीन एनी थिंग इन एनी वे दिस इट क्या कहते हैं लेकिन अलग अलग सात भाषाओं में अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें हो सकती है तो मुझे पता ही नहीं था मैं बहुत ही आश्चर्यचकित ये सब सुन करके पेज नंबर थर्टी सेवन द प्रिंसेस वर वैक्सीड एट दिस एंड द पेरेंट्स लुक वेरी इन इंडिट क्या कहते हैं प्रिंसेस से जब इस तरह के डिस्ट्रेस मतलब वरी हो जाते हैं दूसरी सारी प्रिंसेस वरी हो जाती है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे पेरेंट्स की जो है वैल्यू खत्म हो जाएगी वो वो बहुत उदास हो जाती है बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेंट रूम्स ऑफ द पैलेस एंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर इतनी खुश थी कि वो दौड़ती है सारे रूम्स में सिंगिंग लाइक अ लार्क और बहुत जोर जो से गाना गाती है वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइट एंगल और उसके आस पास प्रिंसेस सेप्टेम्बर के आस पास वो बर्ड भी जो घूमती रहती है जैसे कि रात की जो एंजल्स होती है उसके तरह पर थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस वॉज सेवरलेस इसी तरह से चीजें बहुत दिनों तक चलती रही एंड देन द एट प्रिंसेज पुट देयर हेड्स टूगेदर लेकिन फिर बाकी के जो आठ प्रिंसेस थे उन्होंने एकता बना ली दे वेंट टू सेप्टेम्बर सेप्टेंबर के पास गए एंड सेट डाउनर सर्कल राउंडर उसके आसपास एक गोला बनाकर बैठ गई क्या कहते हैं माई पुअर सेप्टेंबर हमारी बेचारी बहन सेप्टेम्बर वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पेरेट तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरट की डेथ हो गई इसके लिए हम बहुत दुखी हैं इट मस्ट बी रेटफुल फॉर यू तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव तुम्हारे पास उतना अच्छा पक्षी एक पैट नहीं है जितना हमारे पास में सो वी ऑल पुट और पॉकेट मनीज टूगेदर एंड वी आर गोइंग टू बॉयल लवली ग्रीन एंड येलो पैरट कहते हम सभी बहनें जो हैं तुम्हारे लिए अपनी पॉकेट मनी में से पैसे निकालेंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा ग्रीन और येलो कलर का पैरोट लेकर के आएंगी सेप्टेम्बर कहते हैं थैंक यू फॉर नथिंग थैंक यू लेकिन मुझे नहीं चाहिए आई हैव अ पेड बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी बर्ड है जो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आती हैं एंड आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो मुझे नहीं पता कि मैं उस ग्रीन और येलो पैरट के साथ कुछ करूँगी भी या फिर इस तरह का कोई पक्षी इस अर्थ पर हो तो मुझे उसको चाहिए मुझे नहीं चाहिए वेल माई डियर क्या कहती है उसके बने वेल इट्स एब्जर्व टू टॉक टू योर बर्ड वेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एट आउट जस्ट एज ही लाइक्स कहते हैं कि लेकिन तुम उसे वो जैसे चाहता है वो उड़ता रहता है तुम उसे रोकती नहीं हो दे लुक राउंड द रूम एंड राइज देयर आईब्रोज वो आसपास देखती है कि कहीं वो पक्षी हमें सुन तो नहीं रहा है नाउ ऑन द पेज नंबर थर्टी एट डू यू माउंट अवर आस्किंग वेर योर बर्ड इज नाउ मतलब कहीं तुम्हारा बर्ड अगर यहाँ पर होगा तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा ही इज गोन टू पे अ विजिट ऑफ इज फादर इन लोलाइ वो क्या कहते हैं ससुर है वो उनसे मिलने के लिए दूसरे शहर में गया है एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक क्या कहते हैं दूसरे प्रिंसेस से तुम्हें लगता है कि वो वहां से वापस लौट करके आएगा ही ऑलवेज कम बैक सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा लौट करके आता है वेल माई डियर क्या कहती है उसके बने ठीक है इफ you will take or advise you want to run any risk like that if you come back and mind you if it does you will lucky पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर दैट इज द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम क्या कहती है लेकिन हम तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि जब वो वापस आए तो तुम्हें इस तरह की रिस्क नहीं लेना चाहिए तुम्हें उसे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देना चाहिए ताकि तुम श्योर हो जाओ कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा बट आई लाइक टू हैम फ्लाई अबाउट द रूम क्या कहती है वो कहती है लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब वो इस रूम में इस तरीके से उड़ता है सेफ्टी फर्स्ट क्या कहती है उसकी सारी सिस्टर्स जो हैं वो क्या कहती है उसको बहुत ही कड़कता से कहती है लेकिन हमें हमारी सेफ्टी नहीं छोड़ना चाहिए

द बर्ड फॉर टू मस्ट एंड टेक चांसेस वो प्रिंसेस सेप्टेबर छुती उस बर्ड को बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक्स अपन हर सिस्टर वही करती है जो उसकी बहन उसको कहती हैं द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम और क्या कहती है वो जो बर्ड जो है वो सहन नहीं कर पाती कि उसकी आजादी को छीन दिया जाए तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइडेड टू तो पु द बर्ड हैप्पीनेस अबाउ हर ऑन लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर डिसाइड करती है कि मुझे अपनी खुशी से पहले उस बर्ड की खुशी रखनी है इट सीम्स टू प्रिसेस सेप्टेंबर दट हर लिटिल बर्ड हैड बिन अवे अ लॉन्ग टाइम प्रिंस सेप्टेम्बर को बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि बहुत देर तो बर्ड वापस लौट करके नहीं आती है कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं क्या? कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी बर्ड ने किसी एनिमल ने पकड़ लिया हो ऐसा तो नहीं कि वो गिर गया हो उसको कुछ ने काट दिया हो बिसड माइड फॉरवर्डर ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भूल गया हो और ही माइट टेक अ फैंसी टू समी एस कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया देट वुड बी ड्रेडफुल ये सभी उसके लिए डरावना था शी वेस्ट ही safely बैक अगेन वो को, मतलब भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि किस तरीके से वो फिर से लौट करके आ जाए सडनली सेप्टेम्बर ये डे ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड ईयर अचानक से उसे ट्विट ट्विट उसके कानों के पास में सुनाई देता है लिटिल बर्ड सिटिंग देखता है कि वो लिटिल बर्ड जो उसके शोल्डर पर बैठी हुई है so so वो इतने धीरे से उड़ करके आया था कि प्रिंसेस को पता ही नहीं पड़ा कि वो आया है आई वॉन्टेट वॉट ऑन अर्थ हेटम बिकम ऑफ यू कहते कि मुझे लगा कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि तुम फिर से लौट करके आओगे क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस अर्थ पर कहीं घूम गए हो आई दट यू हेट वॉन्टेड देट कहते मुझे लगता है कि तुम जो है इस चीज से डर रही हो तो मैं आश्चर्य हो रहा है आई फैक्ट इज आई ए वेरी नियरली डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल देखिए मैं तो रात को आने ही नहीं वाला था माइन वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे बट आई थॉट यू हैव डे अनेक्स बताइए कि मैं तो वहां पर रुकने ही वाला था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो थे उन्होंने एक पार्टी थ्रो की थी और वो सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुके लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें चिंता होगी इससे मैं लौट करके आ गया अंडर द सर्कम टेंडेड दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक वो कहते कि इसकी जो ये बात

पेज नंबर फोर्टी होल्ड ऑफ द बर्ड अब उस बर्ड को पकड़ती है द बर्ड एक्सपेक्टेड नथिंग एंड वॉज टू सरप्राइज एंड शी कैरीट हिम अवर टू द केज बट बड़ी सरप्राइज होती है उसको क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था कि उसके साथ ये सब होगा कि वो पिंजरे तक उसको ले जाती है पॉप डिमीन और उसे अंदर की तरफ धकेल देती है एंड शर्ट डोर दरवाजा बंद कर देती है दैट फॉर अ मोमेंट यू थिंक नथिंग टू से ये वो मोमेंट था जब बर्ड सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ बट इन अ मोमेंट और टू होप्ड अप इनटू द आइवरी प्रेच एंड सेड व्हाट इज द जोक वो क्या कहता है थोड़ा देर रुकता है फिर बहुत ही सोचने के बाद में होप्ड मतलब आइवरी मतलब उसको आशयजिक था वो सोचता है और फिर बोलता है क्या मजाक है तो क्या बोलते प्रिंस अभी देयर इज नो जो ये कोई मजाक नहीं है बट सम ऑफ मामास स्केट्स आर प्रोबिंग अबाउट टुनाइट मूविंग बट क्वाइट देखिए लेकिन कुछ जो बिल्ली है वो जो है मूविंग कर रही है यहाँ पर आज घूम रही है एंड आई थिंक यू आर मस्ट सेफर इन देयर तो वो देखिए इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर ज्यादा सेफ रहोगे इसलिए मैं जो है तुम्हें इसके अंदर बंद कर रही हूँ वेल जस्ट फॉर दिस वज आई डोंट माइंड देखिये अगर ये सिर्फ अभी के लिए मेरी सेफ्टी के लिए तो ठीक है मैं इस बात को कोई माइंड नहीं करूंगा बड़ बोलता है सो लॉन्ग इज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग तो तुम मुझे मॉर्निंग में बाहर निकाल देना ही एट अ वेरी गुड सुपर अच्छे से वो खाता है एंड देन बिगन टू सिंग गाना गाना शुरू कर देता है बट इन द मिडल ऑफ इज सॉन्ग स्टॉप लेकिन बीच में गाना गाते गाते वो रुक जाता है आई डोंट नो व्हाट इज अ मैटर विथ मी क्या पता मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू लेकिन आज मेरा मन ही नहीं है कि मैं गाऊँ वेरी वेल सेप्टेम्बर कहती है ठीक है गो टू तो स्लिप इन स्टेट चलो तुम अब सो जाओ सो ही पुट इज हेड अंडर हिज विंग्स तो बट क्या करती है अपने, पक, अपने जो आ, विंग्स होते हैं उसके अंदर तो अपने हेड को लेती है एंड अ मिनट फॉर फास्ट जल्दी उसे नींद आ जाती है सेप्टेम्बर टू टू सेप्टेम्बर भी सोने के लिए चली जाती है But when the dawn broke, was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. Lekin. उसकी नींद एकदम से तब खुलती है जब वो उसको उस बर्ड की आवाज आती है जोर जोर से वे कप वे कप क्या कहता है वो उठो उठो ओपन द डोर ऑफ द केज एंड लेट मी आउट इसका दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकालो आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यूज इन स्टिल गो ऑन द ग्राउंड मैं उड़ना चाहता हूँ मैं इस पूरा जो ग्राउंड है उसका एक चक्कर लगाना चाहता हूँ यू आर मच बेटर ऑफ वेयर आर यू क्या कहते हैं कि तुम वही क्या बोलते से तुम वही ठीक हो जहाँ पर तुम हो लेट मी आउट लेट मी आउट क्या कहती है बट मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो एंड ई ट्रिप टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज और वो उसको ऐसे घींचने लगती है बार्स को कि हाँ ये कैसे भी टूट जाए बट ऑफकोर्स स्टूडेंट लेकिन हम भी जानते हैं कि जो कीज होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो वो उसे कर नहीं पाता है एंड बट अगेंस्ट द डोर और वो उसको जोर जो जोर से दरवाजे को भड़कने लगता है बट ऑफ कोर्स यू कूडेंट ओपन इट लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता देन द एट प्रेसेज कैम एंड लुक डेट हम फिर जो आठों की जो सिस्टर्स होती है वो आती है और उस बट को देखती है दे डोर सेप्टर में शी वॉज वेरी वॉइस टू टेक देयर एडवाइस कहती है कि तुम बहुत चतुर हो जो तुमने हमारी बात मान ली द सेट ई वु सुन गेट यूज टू द केच एंड इन फ्यू डेज वाइट फॉर गेट ही अभी ये ऐसे कर रहा है बट लेकिन देखना थोड़े दिनों में इसे इसकी आदत हो जाएगी और वो भूल ही जाएगा कि वो कभी आजाद भी था द लिटिल बर्ड सेट नथिंग एट ऑल वाइल देवर देर वो तब तक बर्ड कुछ नहीं कहता जब तक वो सारी सिस्टर्स वहाँ रहती है बट एज सुन एज देवर गोन ही बिगन टू क्राइग अगेन बट जैसे ही वो सिस्टर्स चली जाती है वो फिर से रोना शुरू कर देता है चिल्लाना शुरू कर देता है क्या कहता है लेट मी आउट लेट मी आउट मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो ऑन द पेज नंबर फोर्टी वन डोंट बी सच एज एन ओल्ड सिली क्या कहता है उसे uh, क्या कहती है प्रिंसेस प्रिंसिसप्टीमर पागलपन मत करो आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू कि मैं तो इसलिए बंद किया है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ आई नो वॉट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू

क्या करना है वॉट डोंट यू सिंग वाई डोंट यू सिंग तुम क्यों नहीं गा रहे हो फॉरवर्ड ट्रू ट्रबल्स अपनी कठिनाइयों को भूल जाओ हाउ केन आई सिंग क्या कहती है बट मैं कैसे गाऊं आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज मैं पेड़ों को देखना चाहता हूं मैं लेग्स जो झरने उन्हें देखना चाहता हूं मैं ग्रीन ड्राइज जो उग रहा है फील्ड पर उसे देखना चाहता हूं आई विल टेक यू आउट एवरीडे क्या कहती है प्रिंस मैं तुम्हें रोज बाहर ले जाऊंगी इट्स नॉट द सेम थिंग लेकिन लेटर बार क्या रहता ये सेम वही चीज़ नहीं होगी द राइस विट इज ऑन द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट वेन यू सी देम अंडर द बार्स ऑफ अ केज कि ये जो पेड़ हैं ये जो झरने हैं ये जो फील्ड है वो मुझे इस पिंजरे के अंदर से अलग ही दिखेगी और जब मैं खुद बाहर हूँ तो मुझे अलग दिखेगी द बर्ड वुडेंट सिंग अ सॉन्ग एंड यू वुडेंट इट अ थिंग बर्ड ना तो गाना गाती है ना ही कुछ खाती है द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एक्सर्स एट दिस जो प्रिंसेस होती है थोड़ा सा इन सबसे परेशान हो जाती है एंड आस अ सिस्टर्स वॉट दे थॉट अबाउट इट और अपनी बहनों को बोलती है कि अब मैं क्या करूँ यू मस्ट बी फर्म क्या कहती है उसकी बहने क्या कहती है कि तुम वही करो जो तुम कर रही हो बट इफ यू वॉन्ट इट लेकिन वो क्या कहती है लेकिन अगर उसने नहीं खाया तो वो मर जाएगा दे वुड बी वेरी अनग्रेटफुल होम वो कहती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा ही मस्ट नो देट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ इज ऑन गुड क्या कहती है कि वो पक्षी जानता है कि सिर्फ तुम्ही एक हो जो उसके बारे में अच्छा सोचती हो इफ हीज ऑप्सिमेटेड नो देट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ इज ऑन गुड सॉरी इफ ही इज ऑब्सटीमेटेड एंड डाइज इट विल सर्व इथ राइट एंड यू विल बी वेल राइट रेड ऑफ एम क्या कहती है कि वो क्या करेगा ही इज ऑप्सिमेटेड यानी ये तुम्हारी बात मान लेगा क्योंकि जब उसे लगेगा ना कि मैं मर रहा हूं तो वो तुम्हारा दिया हुआ खाना भी खाएगा एंड यू विल बी वेल राइड ऑफ यू और तुम भी उसके लिए सबसे ज्यादा सोचते हुए ये बात भी मान लेगा सेप्टेम्बर डिडेंट सी हाउ देट वॉज गोइंग टू डू सेप्टेम्बर वो नहीं देख पाते जो चल रहा होता है वेरी मच गुड क्योंकि सब अच्छा नहीं होता है बट देवर एट टू वन एंड ऑल ऑर्डर देन शी क्या कहती है वो क्या सोचती है कि सभी मुझसे जो है बड़ी है और ये आठ लोग एक ही बात कर रहे हैं सो शी सेट नथिंग इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती परेप ही विल हैव गॉट यूज टू हीश बाय टुमारो शी सेट क्या कहती है वो ही विल टू वो देखना वो कुछ दिनों में जो है उसका फ्रेंड हो जाएगा यानी उसको कल तक जो है अच्छा लगने लगेगा एंड नेक्स्ट डे वन शी अ शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चेयरफुल वाइज वो उठती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर और उस बर्ड को जो है क्या कहती है बहुत ही अच्छी आवाज़ में कहती है गुड मॉर्निंग शी गॉट नो आंसर लेकिन उसको बदले में कोई भी जवाब नहीं मिलता है शी जंप आउट ऑफ बेड वो अपने बेड से उचक करके बाहर आती है एंड रेन टू द केज और पिंजरे की तरफ भागती है शी है वह क्राई और वो रोने लगती है फॉर देअर द लिटिल बर्ड लाइक हो क्योंकि क्या होता है लिटिल बर्ड जो होती है वो पिंजरे में गिरा हुआ होता है एट द बॉटम ऑन इस साइड पेज नंबर फोर्टी टू एट द बॉटम ऑफ ऑन इज साइड और एक पिंजरे में जो है नीचे की साइड पे विध हिस आइस क्रॉचर उसकी आंखें बंद होती है एंड शी ही फीवर डाइड और वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गया हो शी ओपन द डोर वो पिंजरे का दरवाजा खोलती है पुटिंग हर इन लिफ्टेड हिम अपना हाथ अंदर डालती है और उसको पक्षी को बाहर निकालती है शी केवल सोप ऑफ रिवल उसको ऊपर धीरे धीरे से सहलाती है उसे और शी फेल दैट इज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल और वो देखती है कि उस छोटे से पक्षी का दिल जो है अभी भी धड़क रहा है वैकअप वैकअप लिटिल बर्ड क्या कहते उठो उठे छोटे से पक्षी शी बिगन टू क्राइन द लिटिल बर्ड वो रोने लगती है और उसके जो आंसू होते हैं ना उस बर्ड के ऊपर गिलते हैं ओपन ही साइज वो बड़ा अपनी आंखें खोलता है एंड सो दैट द बार्स ऑफ द केच वो लॉन्गर अराउंड वो देखता है कि उस पिंजरे की जो सलाखें हैं वो उसके आसपास नहीं है I cannot sing unless I am free. क्या कहता है वो मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं आजाद नहीं हूँ। And if I cannot sing, I die। और अगर मैंने नहीं गाया तो मैं मर जाऊंगा द प्रिंसेज गेव अ ग्रेट सॉप वो उसको बहुत ही प्यार से गले लगाती है देन टेक ओवर फ्रीडम तो क्या कहती है लो तो फिर लो तुम्हारी आजादी को तुम जी लो आई शर्ट यू इन अ गोल्डन केच मैंने तुम एक सोने के पिंजरे में बंद किया बिकॉज आई लव कि मैं तुमसे प्यार करती और हमेशा तुम्हें अपने पास चाहती हूं. But I never knew it would kill you. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी जान ले लेगा लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम तुम अपनी भी खुशी में जियो तुम्हारी भी खुशी हो थ्री ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन सिल क्या करती है उस विंडो का अपनी एक दरवाजा खोलती है और उस लिटिल बर्ड को आकाश में उड़ने देती है शिव किम हिमसेल्फ अ लिटिल और उसको धीरे से आकाश की तरफ छोड़ती है कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड क्योंकि जाओ और तुम वो करो जो तुम चाहते हो आई विल नेवर पुट द केज एनिमल फिर से कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करूंगी आई विलॉस आई लवि क्या कहते हैं लोट कराऊंगा क्यों क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ एंड आई विल सिंग यू द लवलियस्ट सॉन्ग आई नो आई शेल गो फॉर अवे क्या कहते हैं कि मैं कहीं भी चलाकर जाऊँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा गाना गाऊंगा मैं कहीं भी दूर नहीं जाऊँगा बट आई ऑन द पेज नंबर फोर्टी थ्री बट आई शेल ऑलवेज कम बैक में कहीं भी चला जाऊं मैं लौट करके फिर से जरूर आऊंगा आई शिल नेवर फॉरगेट मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा गिव अनादर शेक और वो उसको अपने आप को जो है ऐसे हिलाता है गॉड गुड गुड मी हाउ स्टीफ आई एम क्या है है वो करता है कि uh, good मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उड़ता हूँ हाउ स्टीफ आई एम मैं कैसा कैसे तुम्हें भूल सकता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे सांथ में देनी ओपन देन विंग्स वो अपने पंखों को खोलता है एंड फ्लू राइट अवे इन टू द ब्लू और ब्लू जो आकाश होता है उसकी तरफ उड़ता है अपने पंखों को फैलाए हुए बट द लिटिल Burst into tears, लेकिन जो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं फॉर इट इज वेरी डिफिकल्टन यू लव बिफोर यूर ऑन क्यों क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना एंड विथ लिटिल बर्ड फार आउट द साइड क्योंकि वो जो लिटिल बर्ड थी वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी ऑल ऑफ अ सडन किसी भी कीमत पर वेरी लोनली क्योंकि उसे बहुत अकेला फील होता था जब वो बर्ड उसके साथ नहीं होती थी सिस्टर्स न्यू वॉट हैड दे एंड दैट अ लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न फिर उसकी बहनें आती है और उसको फिर से उस, uh, कहती है फिर से उसकी कान भरती क्या कहती है कि देखना तुम्हें उसे छोड़ दिया देखना वो लौट कर वापस नहीं आएगा बट इट डिड डेट लास्ट लेकिन रोज जो है वो पक्षी उसके पास लौट करके आता था एंड एनी सेट ऑन द सेप्टेम्बर सेप्टेंबर के कंधे पर आकर बैठता था एट आउट ऑफर हैंड और उसके हाथों से खाना खाता था एंड सेंग हर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्स उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाता था हेट लर्न वाइल ही फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वो बीटी अलग अलग जगहों पर जाता था घूमता था और उसके बारे में उस प्रिंसेस को बताता था सेप्टेम्बर केप का विंडो ओपन डे एंड नाइट सो देट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर शिफिल्ड इनक्लाइंड क्या करती थी वो हमेशा अपने रूम का जो विंडो था वो ओपन करके रखती थी क्यों ताकि बर्ड का जब मन हो वो आ सके और जब उसका मन हो वो जा सके एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर और ये उसके लिए बहुत अच्छा भी हुआ So she grew extremely beautiful. और वो क्या होती क्या होती रही इसी तरीके से अपनी वो सुंदर होती चली गई एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ द कम्बोडिया जब वो अच्छी बड़ी हो गई यंग हो गई तो उसकी मैरिज हुई कम्बोडिया के किंग के साथ में एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट और वो सफेद कलर के हाथी पर वो राजकुमार आया एंड द वे टू द सिटी इन विज द किंग लाइट और वहां पर जहां पर राजा रहता था बट अर सिस्टर्स नेवर स्लेब एंड देयर विंडोज ओपन लेकिन जो सिस्टर्स थी उसकी वो कभी भी अपनी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी क्यों क्योंकि उनके मन में डर था कि वो पैरोट हमारा उड़कर चला जाएगा सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली वो इससे वो क्या हो गया दिन के साथ में वो सिर्फ अगली यानी जो है गंदी दिखने लगी बुरी दिखने लगी एज वेल एज डिसएग्रीबल क्यों क्योंकि वो जो है किसी भी चीज के लिए एग्री नहीं होती थी अ, मतलब उनको कोई भी चीज अपने फायदे के लिए करनी होती थी एंड वेन द टाइम केम टू मेरी और जब शादी का मौका आया दे ऑफ दे वर गिवन अवे टू दिंगसिलर उनकी शादी हुई? उनके पिता के जो मंत्री लोग थे कहीं और, जो जो कही? और नहीं और उनके साथ में जो है लेने के लिए ना ही कोई सफेद हाथी आया ना ही कोई राजकुमार आया सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू इंजॉय दिस स्टोरी सो मच बिकॉज आई ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी दिस स्टोरी इज रिटर्न बाय सोमेरेस्ट मोघम जो है एम्ब्रिज आपका जो एम्ब्रिकेड है वहाँ से लिखी गई है सो डी एन स्टूडेंट्स री रेड दिस स्टोरी अगेन फाइंड आउट दार्ड वर्ड्स एंड फाइंड आउट दैट वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज इट देयर आउन सेंटेसिस ओके थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे किड्स टेक केयर बाय बाय